बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर और उनके कथित बॉयफ्रेंड फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ की शादी की चर्चा होने लगी है। इसी बीच श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर ने इस बारे में बातचीत की। बेटी की शादी के बारे में शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में बात की और कहा, उन्हें नहीं मालूम कि इंटरनेट पर कैसी रिपोर्ट चल रही है। हाँ, यह जरूर है कि वो अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे। शक्ति कपूर ने कहा, वो श्रद्धा के हर फैसले में साथ रहेंगे जो वो लेती है, इसमें उनकी शादी भी शामिल है। रोहन श्रेष्ठ ही क्यों, अगर वो आकर उनसे कहती है कि उन्होंने किसी और को चुन लिया है और उसके साथ सेटल होना चाहती है, तो उन्हें इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। रोहन के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि रोहन एक अच्छा लड़का है, वो बचपन से घर आता है। एक्ट्रेस ने उन्हें नहीं बताया कि उनका रोहन से शादी करने का कोई इरादा है। उनके लिए दोनों बचपन के दोस्त हैं, उन्हें नहीं मालूम अगर दोनों सीरियस हैं। बता दें कि श्रेष्ठ और कपूर पारिवारिक फ्रेंड्स हैं। शक्ति कपूर ने श्रेष्ठ के परिवार को लेकर कहा, वो रोहन के पिता राकेश श्रेष्ठ को पहले से जानते हैं। वो ना सिर्फ राकेश के साथ कई फोटोशूट्स कर चुके हैं, बल्कि उनके साथ में डिनर और ड्रिंक्स के लिए भी जाते रहते हैं। वो उनके अच्छे दोस्त हैं। गौरतलब है, रोहन श्रेष्ठ ने वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी के बाद सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी थी। वरुण ने रिप्लाई देते हुए कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तुम भी तैयार हो। इसके बाद से श्रद्धा और रोहन की शादी की अटकलें शुरू हो चुकी हैं।